सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, लेकिन आप सभी जानना चाहते हैं कि इसका एग्जामिनेशन कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेट है उन्हें लेके ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या वास्तव में इन्हीं डेट को हो जाएगा या इसके अलावा कोई और भी डेट हो सकती है। तो आप सभी को बता दें कि रिसेंटली गृह विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, वो नोटिस हमें मिला है, तो पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं कि उस नोटिस में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पुलिस विभाग आपका गृह विभाग के अंतर्गत आता है और सारी चीजें वहीं से मैनेज होती है और उसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो वहीं से लिए जाएंगे। तो उसके जो भी चीजें अभी चल रही है वर्तमान में वो मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं। आपके लिए काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको काफी चीजें क्लियर कर देगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे भी आप सभी को मिलती रहती है सबसे पहले, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि बहुत सारे बच्चे लगातार एक चीज के लिए बोल रहे थे, सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कोई कंप्लीट गाइड बुक बताइए जिसमें सभी सब्जेक्ट हमें मिल जाए और सभी सब्जेक्ट की तैयारी एक जगह से हो जाए। तो आप सभी को बता दें कि ये बुक आप सभी को मिल जाती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, ये आप सभी की कंप्लीट गाइड बुक आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, लेटेस्ट एडिशन है। आप सभी को बता दें कि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इस बुक को तैयार किया गया है और ये कंप्लीट स्टडी गाइड आपकी आती है, यानी कि जो सभी सब्जेक्ट आप सभी के रहेंगे जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और आपका संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि विधि और बुद्धि लब्धि तार्किक क्षमता, ये सभी सब्जेक्ट आप सभी को यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन हुए हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। साथ ही में 2100 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे बुक आप सभी को मिल जाएगी। कंप्लीट गाइड बुक अगर आपको चाहिए तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है तो यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट वगैरह को यहाँ पे दे रखा है, सारी चीज आप सभी को देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बुक आप सभी को मिल जाएगी, ये भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की आप सभी को मिल जाती है। और आप सभी को बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे 18 पेपर में 3200 से प्लस जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका यहाँ पे सॉल्यूशन आप सभी को दिया गया है टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज संग्रह यहाँ पे आप सभी के लिए आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इतिहास, प्राचीन इतिहास वगैरह से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूगोल से पूछे गए हैं या विज्ञान से पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या है टॉपिक वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को दी गई है, डिटेल सॉल्यूशन वगैरह आप सभी को दिए गए हैं, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि कंप्लीट गाइड बुक और आपकी इस बुक का ये जो आपकी क्वेश्चन बैंक रहेगी इनका लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपका इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन क्रैक हो पाए। अब अगर चले आपकी अपडेट की तरफ तो देखो यहाँ पे आप सभी को मैं चीजें क्लियर कर देता हूँ। आप सभी देख सकते हैं कि नोटिस यहाँ पे देख पा रहे हैं, लखनऊ दिनांक 2 जनवरी 2024 का नोटिस है, उत्तर प्रदेश गृह पुलिस विभाग अनुवाग की तरफ से ये जारी किया गया है। विषय देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता, उपयुक्तता हेतु सहमति तथा उनका विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ पे देखेंगे महोदय कृपया उपयुक्त विषय शासन के पत्र संख्या दे रखा है दिनांक 1 जनवरी 2024, ये वाला नोटिस नहीं मिल पाया है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसका नोटिस मिल जाए, जैसे ये नोटिस मिलेगा मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती पर पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में ओएमआर बेस्ड, यानी कि सबसे पहली चीज कि एक ही पाली में संपन्न करवाने का प्लान कर रहे हैं, साथ ही में यहाँ पे ओएमआर बेस्ड यानी कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा। तो आयोजित कराए जाने हेतु जनपदवार चिन्हित परीक्षा केंद्रों की यहाँ पे सफलित संकलित की गई सूची, उसमें अंकित परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता, उपयुक्तता एवं उन परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 11 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 को कराए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 2 जनवरी 2024 को 3:30 बजे आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किए जाने की अपेक्षा की गई है। तो आप सभी को बता दें कि आज इसके लिए एक मीटिंग होनी है 3:30 बजे और 3:30 बजे का टाइम यहाँ पे रखा गया है कि यहाँ पे
उपलब्धता प्रोवाइड करा दी गई है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने सेंटर खाली हैं और कौन सा सेंटर 11 फरवरी को खाली है और कौन सा सेंटर 18 फरवरी को खाली है। अब इसमें क्या होगा कि उपलब्धता के अनुसार कौन सी डेट यहाँ पे फाइनल हो सकती है वो चीजें जल्दी निकल के आ जाएंगी, जैसे मीटिंग खत्म होगी और उसके बाद कोई नोटिस वगैरह जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती के संबंध में प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 2/1/2024 को अपराह्न 3:30 बजे आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपरिहार्य कारणों से समय में परिवर्तन करते हुए अपराह्न 3:30 बजे से स्थान 5:30 बजे कर दिया गया है। अतः आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 2/1/2024 को 5:30 बजे आहूत होनी है। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि यहाँ पे आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। साथ ही में जो मीटिंग 3:30 बजे होनी थी इसके बारे में वो अब 5:30 बजे होगी। साथ ही में ये चीजें यहाँ पे क्लियर है कि दोनों का डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है, आपका 11 फरवरी का भी आपका 18 फरवरी का भी, यानी कि आज की डेट में ये दोनों ही डेट यहाँ पे हैं और इसमें से जिस दिन सबसे ज्यादा कैंडिडेट का एग्जामिनेशन कराया जाना पॉसिबल है चाहे वो 11 हो या फिर 18 उसी डेट में एग्जामिनेशन फाइनल होना है। लेकिन अगर इसमें ऐसा रहता है कि अनुपलब्धता रहती है क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे भी डिपेंड करेगा, 3 साल की छूट मिली है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा हो सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन रखी है उससे ज्यादा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पाली में ये परीक्षा संपन्न ना होके अलग अलग 2 या 2 से अधिक पालियों में भी संपन्न हो सकती है। तो ये चीजें भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि 11 या 18 की जगह किसी अन्य डेट को भी फाइनल किया जाए, लेकिन अभी डेट है इनके हाथ में 11 और 18 का है तो संभावनाएं भी ज्यादा से ज्यादा जो देखने के लिए लग रही है कि वो यही लग रही है कि 18 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि 11 फरवरी को आरओएआरओ की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर की जो सूची है वो उसमें कम सेंटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं और ये जानकारी मैंने पहले ही आपको उपलब्ध करा दी थी। बाकी का देखना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी डेट फाइनल होती है और जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन आपके लिए बेस्ट चीज ये है कि आपको जितना समय मिल रहा है आपको उसमें तैयारी करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़िया है तो चांस भी आपके पास अच्छा है, तो अपनी तैयारी में जुटे रहिए। तैयारी के लिए बुक आपको लगातार सजेस्ट कर रहे हैं तो बुक आप ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।